क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई इक्वल टू एक्स क्यू वाई इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स एंड एक्स इक्वल टू जीरो। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से लिया गया है। पहले हम एक रफ स्केच करेंगे। तो एक कार्टेशियन प्लेन है, अगर y इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स है, अगर यहां पर हम y के लिए जीरो बैठा है तो x इक्वल टू माइनस सिक्स मीन्स एक पॉइंट माइनस सिक्स जीरो। अगर हम y के लिए जीरो बैठा है तो x इक्वल टू माइनस सिक्स एक हो गया, अगर x के लिए जीरो बैठाते हैं तो अगर x के लिए जीरो बैठाते हैं तो y इक्वल टू सिक्स कैसे, अगर x के लिए जीरो बैठाते हैं तो y इक्वल टू सिक्स मैंने जीरो सिक्स, ये वाला पॉइंट हो गया मान लो जीरो सिक्स। तो ये वाला पॉइंट हो गया जीरो सिक्स। तो y इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स का इक्वेशन ऐसा होगा। अच्छा, ए लाइन हो गया y इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स, y इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स। अच्छा, ए ए लाइन होगा मान लेते y इक्वल टू एक्स क्यू और ए लाइन है x इक्वल टू जीरो, तो हमें इस पोर्शन का एरिया निकालना है, ठीक ना। ये हमने रफ स्केच किया है, ये कोई तो अगर हम y इक्वल टू एक्स क्यूब है और y इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स है, दोनों y के बराबर है यानी x क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स होगा। इसको हम ऐसे कर सकते हैं x क्यूब माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। इसमें अगर x का वैल्यू टू बैठाएं तो ये टर्म जीरो हो जाएगा यानी x माइनस टू इसका फैक्टर होगा। इसको हम इस प्रकार अरेंज करें कि x माइनस टू आ जाए, x क्यूब में x माइनस टू लाने के लिए x स्क्वायर लेना पड़ेगा, x माइनस टू यहाँ पर माइनस टू एक्स स्क्वायर आएगा, काटने के लिए प्लस टू एक्स स्क्वायर लेना पड़ेगा, उसमें अगर टू एक्स कॉमन ले लें तब यहाँ पे बचेगा x माइनस टू, माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर कैंसिल माइनस फोर एक्स, लेकिन है यहाँ पे कितना माइनस थ्री एक्स, तो यहाँ पे प्लस थ्री एक्स चाहिए। थ्री में अगर हम थ्री में थ्री एक्स में एक्स थ्री कॉमन ले लें तो x माइनस टू इक्वल टू जीरो, थ्री माइनस टू मैंने माइनस सिक्स, मतलब सही है हमारा स्टेप। तब इन सब में हम देखते हैं x माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू तीनों में कॉमन है, x माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। तो सॉल्व करने पर x का वैल्यू 2 आएगा,
या x का वैल्यू माइनस टू प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर मीन्स टू स्क्वायर माइनस फोर ए के लिए वन सी के लिए थ्री बाई टू डैट इज माइनस टू प्लस माइनस बारह में से चार जाएगा माइनस एट मीन्स माइनस टू रूट टू आई सॉरी टू रूट टू वाई बाई टू चूंकि ये रियल रूट नहीं है इसलिए एक्स का वैल्यू केवल टू हम लेंगे तो हमारा एरिया होगा एटम ए पूरे का एरिया ए इस लाइन के प्रोजेक्शन में है तो ए होगा एरिया 0 to 2 ए पूरे पोर्शन का एरिया होगा एक्स प्लस सिक्स डी एक्स माइनस ए पोर्शन ए पूरे का एरिया इतना ए एक्स क्यूब के प्रोजेक्शन में ए पोर्शन का एरिया होगा 0 to 2 एक्स क्यूब डी एक्स तो इस पूरे एरिया में से अगर इस पोर्शन के एरिया को माइनस कर दें तो हमें शेडेड का एरिया निकल जाएगा तो इसका एरिया होगा कितना एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सिक्स एक्स टू टू जीरो माइनस एक्स टू पावर फोर बाई फोर टू टू जीरो बराबर एक्स का वैल्यू यहां टू बैठाने पे फोर बाई टू माने टू और 2 इंटू सिक्स 12, 12 प्लस 2, 14, 0 बैठाने पे 0, माइनस x का वैल्यू 2 बैठाने पे 16, 16 बाई 4, मीन्स 4, 0 बैठाने पे 0 होगा यानी कि 10 स्क्वायर यूनिट यही हमारा आंसर होगा।